हेलो फ्रेंड, जय बद्र विशाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार की श्रद्धा में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में अपना फर्स्ट ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरी ज़िंदगी का यूट्यूब पर पहला ब्लॉग था जो मैंने बस ऐसे ही उठी और ये बस इतना याद था कि हाँ, गुरुवार का दिन था और मन में चल रहा था कि हाँ मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन बस ये नहीं हो रहा था कि कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। और फिर मैंने गुरुवार का दिन था और मैंने व्रत रख रखा हुआ था। मैंने कहा आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता है। और मैंने यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था, मैंने वीडियो बना लिया था, मैं जान भी नहीं पाई थी कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। तो बस मैंने वीडियो बना के सिर्फ रख लिया था कि डालूंगी नहीं डालूंगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैंने वीडियो डाल ही दिया था। वो वीडियो फ्रेंड्स मुझे याद है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हो गया था। जैसे मैंने डाला तुरंत ही, मतलब उस दिन तो मेरे पास में कोई सब्सक्राइबर नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि मैं डाल रही हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया था और काफ़ी लंबे समय तक मैंने नहीं बताया था। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ ना, अगर आप वीडियो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट आपका यही रहेगा कि आप अपने घर परिवार में किसी को मत बताइए कि आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं या कुकिंग, मतलब मिस यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आप डालने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगा। मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों की मतलब क्या हमारी लोगों की गलतियां होती हैं और क्या हम लोगों को गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैंने अपना बस वीडियो उसमें वो ट्राइपोड वगैरह भी उस समय हमारे पास नहीं था, बस मैंने पूजा किया और बस फ्रंट कैमरा मैंने संभाला और उसके बाद में मैंने अपना बोलना शुरू किया। मैंने अपने एक फ्रेंड को सिर्फ मैंने बताया था और उसको भी मैंने काफ़ी दिनों के बाद ही मैंने उसको भी बताया था। तो उसके बाद में जब उसने देखा ना, तो बहुत थोड़ा सा उसने मुझे इनक्रेज किया कि हाँ ये बहुत अच्छा तुम कर रही हो। तो बस मेरे थोड़ा सा आया कि हाँ चलो करती हूँ और थोड़ा सा रिस्पांस भी मिला, क्योंकि व्यूज अचानक से बिल्कुल आने लगे तो ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं बस वही पूजा पाठ मैंने कर लिया हुआ था और मूंगफली वगैरह वही जो आया हुआ था तो वही भूनने में जा रही हुई थी। दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। वो दिन कुछ अलग ही बात थी, शायद मैं उस समय का मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या ही वहाँ का था। सारे मैंने मतलब चाय वगैरह ले आई थी, वो मैं कर रही थी। उस समय तो ऐसा था ना कि बोल भी नहीं पा रही थी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन तब भी मैंने पूरी कोशिश कर रखा था। बेटा भी मेरा पास था, हाँ बेटे को मेरे पता था, बेटे को मतलब उसने काफ़ी हेल्प मेरी किया हुआ था कि कैसे क्या करना है अपलोडिंग में। तो बस ये था कि उसकी वजह से मैं अपलोड कर पाई थी। और मेरे पास फ्रेंड ये जो मोबाइल है ये एकदम पुराने वाले मोबाइल से है, मैं बिल्कुल भी मतलब वो उससे तो चल ही नहीं पा रहा था, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा था। तो बस उसी वाले मोबाइल से मैंने किया था। तो मेरा बर्थडे पड़ा था तो उस पर हस्बैंड कुछ दे नहीं पाए थे, उन्होंने कहा था कि चल ना आगे फिर मैं दिलवा दूंगा। तो छुट्टी पड़ी थी तो वो हस्बैंड मुझे वही दिलवाने के लिए लेकर जा रहे थे। तो बस उन्होंने कहा कि हाँ मोबाइल तुम्हारा काफ़ी हैंग बहुत ज़्यादा करने लगा था, तो बस उन्होंने कहा कि चलो मोबाइल हम तुम्हें दिलवा देते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात क्या हो सकती है और मेरा तो बस काम ही हो जाएगा। और तब तक जब ये इस समय था तो तब तक भी हस्बैंड को मेरे पता नहीं था कि हाँ मैं वीडियो बनाने लगी हुई हूँ, और पीछे से बोल भी रहे थे तुम कर क्या रही हो, लेकिन फिर भी मैं करती जा रही थी। मैंने कहा बस ऐसे ही मार्केट का भी आज मैं बना रही हूँ। उन्होंने सोचा शायद रील वगैरह हो सकता है डाल दे, मुझे ये भी नहीं पता था कि जहाँ से लेते हैं वहाँ का भी ब्लॉगिंग करना होता है। मैं यहाँ पे आ गई थी और ले आई हुई थी, मैं इतनी खुश थी और जो EMI पे नहीं होता है उसी से मैंने मोबाइल मैंने लिया था किस्तों पे। तो ये बहुत आसान भी रहता है ना कि मतलब एक बैग से पैसा देना नहीं पड़ता है ना, मैं तो मतलब इस पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो बस मैंने वही EMI पे मैंने इन्होंने लिया था और यहाँ पर मतलब इतनी खुशी मुझे मिल रही थी। मात्र इसकी खुशी नहीं थी कि हाँ मुझे मोबाइल मिला, मुझे ये खुशी हो रही थी कि हाँ अब मैं वीडियो में बहुत अच्छा मेरा बनेगा। तो बस इसी उसमें बना रही थी। यहाँ पर मेरा बेटा सामने वही ले रखा होता, उसको भी नहीं पता था कि कैसे कैमरा लेते हैं। तो बस कहीं कहीं किसे कट कट
जा रहा है तो लेकिन इसका मैं अपनी खुशी में बता नहीं सकती थी कि मैं कितनी मैं खुश थी इसको लेने में। और इसी को ही मैंने बस करते करते और ब्लॉगिंग अपना इसी में ही मैं मतलब ऐड मैंने कर दिया था कि हाँ चलो अब मैं इस सब सारी चीज़ों को मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में ही इसको जोड़ के फिर मैं करूँगी। फ्रेंड बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसका को मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। फिर मैं कभी पूरी बताऊंगी कैसे मैंने शुरू किया था, कैसे क्या किया था। और यहाँ पर वापस आने के बाद में फिर मैं यहाँ पर ब्लॉग एंड कर रही थी तो वही था। तो फ्रेंड्स अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार देख सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और आप लोगों की वजह से ही मतलब इतना सब कुछ मतलब आगे आई हूँ, आगे भी आप ही लोग का भरोसा है। ओके फ्रेंड।